नहीं, इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल जीटी रोड की, जहां पर हम आपको बता दें कि नीलोखेड़ी समानाबाऊ के पास एक शराब से भरा हुआ पूरा ट्रक जो है पलट गया है। आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे ट्रक में शराब ही शराब लोड है, और किस तरह से करनाल नीलोखेड़ी समानाबाऊ के पास जो है ये शराब से भरा हुआ जो ट्रक है वो पूरा का पूरा ट्रक जो है जा पलटा है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि काफ़ी शराब ही शराब जो है जीटी रोड पर भी बिखरी हुई है। आप ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं करनाल नीलोखेड़ी समानाबाऊ के पास शराब से भरा हुआ पूरा जो ट्रक है वो इस समय पलटा हुआ है। इस समय लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बताएं कि करनाल नीलोखेड़ी से आगे जहां पर पुराना टोल टैक्स हुआ करता था वहां पर ये शराब से भरा हुआ पूरा ट्रक जिसमें हजारों पेटियां शराब की हैं, और आप देख सकते हैं कि जीटी रोड के किनारे नीचे शराब ही शराब बिखरी हुई पड़ी है। काफ़ी स्मेल पूरी रोड पर दूर दूर से सूंघी जा सकती है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि शराब से भरा हुआ जो ट्रक है वो पूरा जा पलटा है। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल जीटी रोड की, जहां पर हम आपको बता दें कि नीलोखेड़ी के पास रोमियो कंपनी की जो शराब है आप देख सकते हैं, रोमियो कंपनी के जिसमें पौए हैं वो पूरा का पूरा पलट गया है। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि हजारों पेटियां इसमें ट्रक में मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो पुलिस है बुटाना थाना की और हाईवे थाना की वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आज सुबह की घटना है ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं करनाल के नीलोखेड़ी समानाबाऊ के पास, जहाँ पर शराब से भरा हुआ ट्रक पूरा पलट गया है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। बलबीर सिंह जी, राजबीर सिंह जी हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, क्या कुछ जानकारी पुलिस के पास आई थी? जी हमारे पास तो सुबह जानकारी आई ड्राइवर ट्रक पलट गया जी। तो किस चीज़ से भरा हुआ सर? दारू से भरा हुआ। तो पता चला कहाँ से कहाँ जा रहा था सर? वो तो पहले वाली शिफ्ट ने पता था, हम तो सुबह आए हैं दूसरी शिफ्ट। बुलाया मालिक आ रहे हैं इनके? हम मालिक जी अपने वो लेने के लिए जा रहे हैं, लेबर लेने के लिए जा रहे हैं। तो कितनी शराब है? काफ़ी शराब खराब होंगी जी, 500-600 पेटी तक। पलटा कैसे ये नहीं पता था? ना ये नहीं पता। नींद की उस वजह से पलटा होगा जी। तो ये तस्वीरें से मैं आप देख रहे हैं करनाल जीटी रोड की, जहां पर हम आपको बता दें आप देख सकते हैं कि नीलोखेड़ी समानाबाऊ के पास शराब से भरा हुआ जो पूरा ट्रक है वो जा पलटा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है। करनाल नीलोखेड़ी समानाबाऊ के पास ये पूरा ट्रक पलटा है। आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेजी शराब से भरी हुई पेटियां ही पेटियां इस ट्रक में लोड है करनाल नीलोखेड़ी के पास। पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है, मालिक को बता दिया गया है, और कहीं ना कहीं आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं कि सुबह जानकारी मिली है कि शायद ड्राइवर को कोई नींद का झटका आया हो, जिसके बाद जो है ये शराब से भरा हुआ ट्रक पलटा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की शराब पहले करनाल CIA पुलिस द्वारा भी जो है कई बार पकड़ी जा चुकी है। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि क्या ये शराब बिल के आधार पर लेके जा रही थी या क्या दो नंबर में जा रही थी। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि बिल भी है इनके पास या नहीं है, क्योंकि ड्राइवर जो है मौके से फरार हो गया है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल नीलोखेड़ी समानाबाऊ के पास, जहां पर आप देख सकते हैं कि शराब से भरा हुआ ट्रक जो है जा पलटा है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि CIA पुलिस द्वारा पहले भी जो है इसी कंपनी की शराब पहले भी जो है कई बार पकड़ी जा चुकी है, क्रेजी रोमियो के नाम से। ये अंग्रेजी शराब है जिससे पूरा भरा हुआ ट्रक ये करनाल नीलोखेड़ी समानाबाऊ के पास पकड़ा है। आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि क्रेजी रोमियो के नाम से ये शराब है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये ट्रक। हम आपको बता दें कि करनाल पुलिस की CIA शाखा द्वारा पहले इसी शराब का भरा हुआ ट्रक दो बार जो है करनाल में पकड़ा गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विस्की दो नंबर में लेकर जाई जा रही थी। अपने आप में बड़ा सवाल है। हजारों पेटियां आप देख सकते हैं शराब की यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हजारों पेटियां, करीब 600-700 पेटियां पूरे इस ट्रक में लोड है। करनाल जीटी रोड के पास ये शराब का पूरा ट्रक जो है जा पलटा है। आप तस्वीरें से देख सकते हैं कि क्रेजी रोमियो कंपनी के ये शराब है, और कहीं ना कहीं एक्साइज और पुलिस जो है ये भी छानबीन करेगी कि क्या आखिरकार इस शराब की परमिशन इनके पास थी या दो नंबर में चोरी छिपके इसको लेकर जाया जा रहा था। क्योंकि सवाल बड़ा गंभीर है कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इसको कवर किया गया था, पूरे ट्रक को कवर किया गया था ताकि किसी को ना पता चले। आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि शराब बगैर बिलिंग के या दो नंबर में भी ले जा सकती है, और कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस पूरी गहनता से जो है छानबीन करेगी, जिसके बाद ही जो है ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार ये शराब किसकी है, और शराब से भरा हुआ ट्रक क्या विद बिल जा रहा था, या कहीं ना कहीं इसमें कोई गोलमाल भी हो सकता है। क्योंकि शराब के पूरे ट्रक को आप देख सकते हैं कि तरपाल से पूरी तरह से कवर किया हुआ था ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें शराब ही शराब भरी हुई है। और आप तस्वीरें समय
करनाल नीलोखेड़ी जीटी रोड के पास की देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि शराब से भरा हुआ ट्रक पलट गया। और जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। क्रेजी रोमियो के नाम से ये शराब का भरा हुआ ट्रक है। आप देख सकते हैं कि काफी बोतलें शराब की टूटी हुई है और पूरे जीटी रोड पर स्मेल ही स्मेल जो है शराब की देखी जा सकती है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। क्रेजी रोमियो के नाम से इंग्लिश विस्की है, जिसकी पहले भी करनाल पुलिस 2-3 बार करनाल में अवैध तरीके से जा रही शराब को पकड़ चुकी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार यह विद बिल लेकर जाई जा रही थी या ये भी अवैध तरीके से लेकर जाई जा रही थी। और ट्रक जो है करनाल नीलोखेड़ी के पास यह पलट गया है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल नीलोखेड़ी के हाईवे के जो सर्विस लेन है वहाँ पर, जहाँ एक शराब का ट्रक यहाँ पर पलट गया है। हालांकि जो ड्राइवर था ट्रक में वो हालांकि यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक सवाल उठाता है कि आखिर क्यों इस तरह से ट्रक को छोड़ के वह भाग गया। हालांकि ये तो पुलिस की जाँच के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार ये ट्रक जो लेकर जाया जा रहा था उसके प्रॉपर बिल्स थे या नहीं थे, या ये किसी 2 नंबर से लेके जाया जा रहा था, क्योंकि जो ड्राइवर है हालांकि वो मौके से फरार है। लेकिन पुलिस से बातचीत में हमें ये पता लगा है कि जो ट्रक के मालिक हैं उन्हें बुलाया गया है और वो आ रहे हैं। लेकिन हम आपको लाइव तस्वीर में जैसा कि दिखा रहे हैं, ये शराब से भरा हुआ ट्रक जो कि यहाँ पर पलट गया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, क्रेजी रोमियो, जिसकी पहले भी CIA 1 की शाखा जो है वो भी 2 बार ट्रक को पकड़ चुकी है जो अवैध तरीके से लेके जाए जा रहे थे। हालांकि इस ट्रक के बारे में अभी तक नहीं पता कि अवैध तरीके से जा रही थी, इसके प्रॉपर बिल्स थे। हम करनाल के लोगों से अपील करेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अवैध तरीके से भी काफी बार देखा गया है कि इसी तरह से शराब को लेकर जाया जा रहा होता है। हालांकि अब जो ट्रक के मालिक है उनको बुलाया गया है, पुलिस जो है अपनी जाँच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये ट्रक किस तरह से जा रहा था, क्या इसके पास प्रॉपर बिल्स थे या नहीं थे। और हालांकि अभी ट्रक पलटने किस तरह से पलटा है उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, क्योंकि जो ड्राइवर है हालांकि वो मौके से फरार है, ड्राइवर यहां पर नहीं है। लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। और जो ट्रक के मालिक हैं उनको बुलाया गया है ताकि उनसे बिल्स वगैरह भी देखे जा सके कि किस तरह से इस ट्रक को लेके जाया जा रहा था। हम एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे ट्रक की, कितने ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर शराब लेके जाई जा रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कम से कम 600 से 700 पेटी, जैसा कि पुलिस वालों का कहना था कि 600-700 पेटी इसमें शराब की जा रही थी। क्रेजी रोमियो जो कि पहले भी CIA 1 की शाखा 2 ट्रक्स पकड़ चुकी है जो कि अवैध तरीके से ट्रक लेके जा रहे थे। वही एक और लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तो हम पुलिस वाले जो पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, पुलिस वालों से हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे सर कहाँ पर ये ट्रक मिला है आपको, क्या कुछ बताना चाहेंगे अब इसके बाद। सर ये स्टेटमेंट दे दिया सच्चो साहब से लिया सर, तो सर पता चला कि अवैध तरीके से ले जाई जा रही थी, ये मैंने ज्ञान नहीं दिया। ड्राइवर मौके पर नहीं है, ना ड्राइवर मौके पर नहीं। तो जैसा कि हमने देखा जो ड्राइवर है वो अभी मौके पर नहीं है। हालांकि किस तरीके से शराब लेके जाई जा रही थी, क्या वो अवैध तरीके से जा रही थी, इसके प्रॉपर बिल्स वगैरह थे, वो हालांकि अभी जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जो ड्राइवर है वो हालांकि अभी मौके से फरार है। जैसा कि पुलिस वालों का कहना था कि जो ट्रक के ओनर हैं, जो ट्रक के मालिक हैं, उनको बुलाया गया है ताकि उनसे भी जो प्रॉपर पेपर्स हैं वो लिए जा सके, ताकि पता किया जा सके किस तरीके से ये शराब जा रही थी, कहाँ से कहाँ तक ये ट्रक जा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रक ये जो है वो शराब से भरा हुआ है, उसको तरपाल से ढका हुआ था ताकि पता ना लग सके कि इसमें शराब जा रही है। तो हालांकि अब ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि किस तरीके से ये शराब लेके जाई जा रही थी, क्या वो अवैध तरीके से लेके जाई जा रही थी, या इसके प्रॉपर बिल्स वगैरह सब कुछ इनके पास थे, वो मालिक के आने के बाद ही पता लगेगा। हालांकि SHO साहब के आने के बाद पता लगेगा, जो जाँच आगे की जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि किस कहाँ से कहाँ ये ट्रक जा रहा था, कौन इसके मालिक है, कहाँ लेकर जा रहे थे, कितने उनके पास बिल्स थे या नहीं थे, क्या किस ढंग में क्यों लेकर जा रहे थे वो, ऐसे कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया, ड्राइवर भी यहाँ पर नहीं है ट्रक पलटने के बाद, हालांकि ड्राइवर यहाँ से भाग गया, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या ये अवैध तरीके से लेके जाई जा रही थी, ताकि जिसके चलते ड्राइवर यहाँ से भाग गया है। हालांकि मालिक को बुलाया गया है, वो यहाँ पहुँचेंगे तब पुलिस वालों से बातचीत के दौरान, जाँच के दौरान पता लगेगा। तो इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के नीलोखेड़ी समाना बाहू के पास, जहां पर आप लाइव तस्वीरें से में देख सकते हैं कि किस तरह से क्रेजी रोमियो जो इंग्लिश विस्की है उसके क्वार्टर्स जो हैं, किस तरह से यहां पर बड़ी पेटियां, यहां पर करीब 500 से 600 के करीब पेटियां इसमें बताई जा रही है। और पूरा का पूरा जो शराब का ट्रक है जो भरा हुआ है वो करनाल नीलोखेड़ी समाना बाहू के पास जो है पलट गया है। आज सुबह के करीब तड़के सुबह बताया जा रहा है, हो सकता है कि ड्राइवर को नींद का झटका आया हो या कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन ड्राइवर पुलिस का कहना है कि मौके पर नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जाँच जरूर होनी चाहिए कि क्या ये विस्की
एक नंबर में लेकर जाई जा रही थी। क्या पूरे इसके बिल वगैरह हैं या नहीं है, हालांकि मालिक को बुलाया गया, उसके बाद ही जो है पता चल पाएगा। पुलिस का कहना है, पुलिस अभी ज्यादा जानकारी देने से बच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा शराब का भरा हुआ ट्रक, अंग्रेजी शराब का क्रेजी रोमियो, जो करनाल पुलिस पहले भी जो है इस शराब के ट्रक को पकड़ चुकी है, इसी कंपनी की शराब पहले भी करनाल में कई बार पकड़ी जा चुकी है, जो दो नंबर में लेकर जाई जा रही थी। शराब की तस्करी करनाल जीटी रोड से काफी होती है, तो बहरहाल ये कह पाना अभी मुश्किल होगा कि क्या यह अवैध तरीके से शराब लेकर जाई जा रही थी या बिलिंग से लेकर जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन करेगा। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी खुलकर वह भी स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रही है। आप देख सकते हैं कि शराब कि करीब 500 से 600 पेटियां अंग्रेजी शराब की क्रेजी रोमियो कंपनी की, पूरा का पूरा ट्रक जो है जा पलटा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी बोतलें टूट भी चुकी हैं और स्मेल काफी दूर दूर तक सूंघी जा सकती है। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं करनाल के नीलोखेड़ी जीटी रोड के पास की, जहां पर हम आपको बता दें कि समाना बहु के पास एक शराब से भरा हुआ पूरा का पूरा ट्रक जो है जीटी रोड किनारे पलटा हुआ है। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि वाहनों को भी निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस समय देख सकते हैं कि करनाल जीटी रोड पर शराब से भरा हुआ पूरा का पूरा ट्रक यहां पर पलटा हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन करेगी। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि काफी पेटियां टूटी भी पड़ी है। आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि शराब नीचे तक लीक हुई हुई है। क्रेजी रोमियो नाम की कंपनी की यह शराब की पेटियां हैं, पूरे ट्रक में जो है ये शराब भरी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी पेटियां नीचे तक आ गिरी है, काफी बोतलें भी टूट चुकी हैं। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन करेगी, जिसके बाद यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार ये विद बिलिंग शराब का ट्रक लेकर जाया जा रहा था या हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ भी हो। आप यह तस्वीरें समय देख सकते हैं कि किस तरह से क्रेजी रोमियो नाम की अंग्रेजी शराब की जो इसमें क्वार्टर्स हैं, जो पौवे हैं, वो इस समय पूरा का पूरा ट्रक जो है जा पलटा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसके जो मालिक है उसको भी बुलाया गया है। करनाल जीटी रोड पर नीलोखेड़ी से आगे जैसे ही कुछ क्षेत्र की तरफ आप चलते हैं तो समाना बहु के पास ये पूरा का पूरा ट्रक जो है जा पलटा है, पुलिस को जानकारी मिली है और पुलिस जो है मौके पर मौजूद है। हालांकि काफ़ी देर हो चुकी है, अभी तक मालिक का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मालिक को बुलाया गया है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन करेगी, जिसके बाद ही जो है ये पता लगाया जा सकेगा कि क्या ये शराब वैध है या इसको गलत तरीके से लेकर जाया जा रहा था। तो पुलिस जो है आकर उनके बिलिंग भी चेक करेगी, एक्साइज डिपार्टमेंट को भी इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि सभी पहलुओं को लेकर मामले की छानबीन की जा सके, क्योंकि करनाल जीटी रोड के माध्यम से शराब की तस्करी बड़े स्तर पर होती है। करनाल पुलिस पहले इसी कंपनी की शराब कई बार पकड़ चुकी है। करनाल पुलिस की CIA शाखा द्वारा इसी अंग्रेजी शराब क्रेजी रोमियो नाम की कंपनी की शराब को अवैध तरीके से कई बार पकड़ा जा चुका है, जब इसकी शराब की तस्करी की जा रही थी। 500 से 600 पेटियां कई बार ट्रकों में पकड़ी जा चुकी है। बहरहाल अब ये ट्रक जो है करनाल जीटी रोड पर पलटा हुआ है और आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर तैनात की गई है ताकि लोग इस शराब को उठाकर ना ले जाएं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बहरहाल पुलिस यहां पर तैनात की गई है ताकि जब तक मालिक इसके नहीं आ जाते, तब तक लेबर को नहीं बुला लिया जाता, तब तक पुलिस यहां पर तैनात रहेगी, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अगर इस तरह से शराब का ट्रक अगर पलटता है तो आसपास लोग इसको उठाने की कोशिश भी करते हैं, चोरी करने की भी कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि शराब से भरा हुआ जो पूरा का पूरा ट्रक है वो करनाल जीटी रोड पर पलट गया है। क्रेजी रोमियो कंपनी की शराब यह बताई जा रही है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।